पता होगा कमिश्नर साहब कोट पहन के आए दिल्ली से, बढ़िया, बहुत बड़े घर से होंगे। मैं 4 बीघा किसान का बेटा हूं जिसके घर में केवल 4 बीघा जमीन थी, इतने गरीब घर से हूं मैं। और आज मैं इस पोजीशन पे हूं कि मैं अपने पिताजी को हवाई जहाज में घुमा सकता हूं। क्या 4 बीघा खेत का आदमी कभी सोच सकता है? नहीं सोच सकता। शिक्षा एक ऐसी चीज है जिसने हमें वो साधन दिए जिसके दम पर उनको बड़े होटल में घुमा सकते हैं, विदेश घुमा सकते हैं, हवाई जहाज में बिठा सकते हैं, दुनिया घुमा सकते हैं। किसके दम पर? शिक्षा। यही आपका हथियार है। और मैं आप सब लोगों से, चंद्रावल और आसपास के गांव से आए हुए सभी नागरिकों से, सभी माताओं बहनों से ये प्रार्थना करता हूं कि अंधविश्वास और पाखंड को छोड़ करके अपने बच्चों को कलम पकड़ाइए। नहीं तो आप ये समझिए कि इनके भविष्य को बर्बाद करने के लिए कोई बाहर से व्यक्ति नहीं आएगा, हम खुद इसके जिम्मेदार होंगे। मैंने बहुत समय लिया, आप लोग सुबह 9 बजे से बैठे हैं, भूख भी लगी होगी, और फिर कभी आएंगे आपके गांव में। शिक्षा के संबंध में किसी प्रकार का आपको सहयोग चाहिए, कमल बापू संत और उनकी टीम हमसे जुड़ी हुई है। किसी बच्चे को IAS PSC की तैयारी करनी हो, IIT की नीट की तैयारी करनी हो, प्लीज़ हमें एक बात जरूर बताइए। मैं आपको केवल एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि अगर किसी बच्चे पर फीस नहीं होगी तो हम उस बच्चे को निःशुल्क कोचिंग कराएंगे, ये हमारी गारंटी है। लेकिन इसको आपको निकल के आना पड़ेगा। जो 2.5 लाख रुपये 5 लाख रुपये आप चंदा करके पाखंड में मोड़ा देते हो ना, ये बंद कर दीजिए। उसी 50,000 रुपये को बच्चे को देकर के भेजिए। एक बच्चा अगर आपका IIT में निकल गया या कलेक्टर बन गया तो आप ये समझिए कि सैकड़ों लोगों का जीवन सुधर जाएगा, और ये आपके हाथ में है, नहीं तो बर्बादी तो हम कर ही रहे। ठीक है माता जी, खुश होकर जाना। मैं पूछूंगा कि कितनी माताओं ने अपने बच्चियों को ठीक से पढ़ाया, ठीक। और बेटा आप लोग याद रखना, किसी भी कथा में, किसी भी कामड़ में, किसी भी जात में, किसी भी तीर्थ यात्रा में कभी नहीं जाना, और न ही अपने सिर पर घड़े लादने। हमारा हथियार पुस्तकें हैं, हमारा हथियार पेन है। पढ़ेंगे लिखेंगे तो चंद्रमा तक जाएंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो चांद तक जाएंगे, अंतरिक्ष में जाएंगे, IAS बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे। और बेटा अगर पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो जो हमारी मम्मी ताई दादी कंडे पाथे आ रही हैं, गोबर डालते आ रही हैं, हमको वही काम करना पड़ेगा। अपना भविष्य बनाना हमारे हाथ में। बी रैशनल, बी एजुकेटेड, इंग्लिश पढ़िए अच्छे से, सारे संसाधन आपके पास हैं, इंटरनेट का यूज करिए। और किसी प्रकार की कोई रिक्वायरमेंट अगर